अजकल दे मुंडियां दा दिल इंटरनेट ते इग्नोर करके जितया जांदा है। दो चार मैसेज सेंड कर और डिलीट कर, पटाखे का फिल्टर मार और सिजलिंग से डीपी लगा, बस फिर देख तमाशा, फंस गया ना शिकार। कोई जवाब ना दे। वाह भैया आंटी, शिकार करना तो कोई आपसे सीखे। फिर नानी, तो तुम्हें अश्वती क्यों चाहिए? तो रिश्ते हैं तुम्हारे लिए भाई, ने लड़कों के साथ तुम्हारी दोस्तियां हैं, फंसा लो किसी एक को, कर देंगे वहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लिबरलिज्म का इस्लाम के ऊपर एक बहुत ही संगीन वार है जो आप देख रहे हैं कि हमारा ड्रामा सीरियल जो हर घर के अंदर देखा जाता है। लेकिन इस वीडियो के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि अल्लाह के लिए अपने बच्चों के ईमान की फ़िक्र कीजिए, अपने बच्चों के तरबियत की फ़िक्र कीजिए और इस ड्रामे को अपने घर में बैन कीजिए, बंद कीजिए। आपने देखा कि किस तरह से सरेआम ये रियासते मदीना है जिसके अंदर हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री है, जिसके अंदर सरेआम बेहयाई की तरवीज की जाती है। और फिर हम इस सोसाइटी से क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है रक्षे के पीछे लड़के ना लगें और जो है यहाँ पर बेहयाई और फहाशी के काम ना हों। जब आप अपने बच्चों को, आप अपने घर के अंदर ये मर्ज, ये बीमारी आप खुद लेकर आ रहे हैं। और फिर मुझे अफसोस होता है उनके ऊपर के जो हमारे इदारे हैं वो इस पर कोई पैमरा एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है कि यार ये क्या हो रहा है हमारे ड्रामे के अंदर। कभी तो हम जो है अपने ड्रामे के अंदर घर के अंदर एक दूसरे के साथ जो है नाजायज़ ताल्लुकात दिखाते हैं। कभी कोई, एक वो ड्रामा हुआ था किसी दौर के अंदर कि वो अपनी बीवी को किसी और के साथ उसने जो है छोड़ दिया था, कोई बिजनेसमैन था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ना मैं ये ड्रामे देखता हूँ, ना मेरे ये मिजाज में है कि मैं इस तरह की वीडियो अपने सोशल मीडिया के ऊपर लगाऊं। लेकिन ये वक्त की ज़रूरत है कि अगर अब भी हमने आंखें ना खोलें, अगर अब भी हमने अपने आप को बदलने की कोशिश ना की, तो एक वक्त आएगा कि जब सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम तो रह जाएगा पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान एक तो सेकुलर, एक लिबरल रियासत जो है वो बनकर रह जाएगा। आज हमें ये आवाज़ उठाने की ज़रूरत है इस लिबरल माफिया के पीछे, इन जो है मोमबत्ती माफिया के खिलाफ, जो कि इस्लाम के सारे हुदूद व कयूद को जो है वो पामाल करते हैं। और अब ये जो मुकद्दस रिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए हैं, हमारे ये खालाएं, ये फूफियां, ये जो है हमारी माएँ और जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं बच्चियों के, जो कि उनके खैरखा होते हैं, उनके साथ ये बताया जा रहा है कि ये माज़ल्ला, ये कोई मतलब इस तरह की औरतें होती हैं जिनका काम ये होता है कि किस तरह से लड़कों को वर्गलाना है, अपनी बेटियों को इस तरह के गुर सिखाना। और ये अगर इसके ऊपर लोग अमल करना शुरू कर दें आपके ड्रामे को देख कर, और यही काम हो रहा है आज हमारी यूथ के अंदर, लेकिन हम कब समझेंगे, कब सोचेंगे इसके बारे में। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल हया मिन अल ईमान, फरमाया हया ईमान का जुज है और जिसमें हया न रहे उसका जो मर्जी आए करे, यानी जब हया नहीं रहेगा तो कुल ईमान नहीं रहेगा। और यही एक तरीका है जिससे हमारे ईमान को चैलेंज किया जा रहा है। शैतान के सब चेले हमारे ऊपर इस तरह से वार कर रहे हैं कि हमें हर महाज पर इस्लाम को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और हम मुसलमान हैं, हमारी यूथ है कि हम सोए हुए हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है, हमें तो मतलब है अपने जॉब से, हमें मतलब है अपने कैरियर से, हमें मतलब है एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एक जनाब हमें कोई ओहदा चाहिए, लेकिन हमें जो है
इस्लाम से कोई मतलब नहीं है, ना इस्लाम की हम खुद तबलीग करते हैं, बल्कि जो लोग तबलीग कर रहे होते हैं, कोई बात कर रहे होते हैं, उनके ऊपर क्रिटिसाइज करना विदाउट एनी मतलब अपनी किसी कोशिश और काविश के बगैर उनके ऊपर खाम खा की जरा करना हम अपने ऊपर फ़र्ज समझते हैं। तो बजाय इसके कि इस्लाम की आवाज़ को हम फैलाएं, मैं कहता हूँ आप क्रिटिसाइज करें किसी को भी मुझ समेत, लेकिन आप अल्लाह के लिए आप खुद तो जो है दीन का काम करें, हमसे आप बेहतर करें, लेकिन आप करें तो सही। लेकिन कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है कि अमली मैदान में आके इस्लाम की बात करें। इस्लाम मुआशरत का दीन है, इस्लाम के ऊपर, इस्लाम के अंदर जो सजाएं हैं हमें वो नज़र आती हैं, और ये लिबरल माफिया उनका शोर घोगा पीटता है कि जनाब ये इतनी बड़ी सजाएं इस्लाम के अंदर, इस्लाम के अंदर इतनी बड़ी जो है कोई कैद बंद है। हालांकि इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है, इस्लाम के अंदर जो सजाएं हैं वो डेटरेंस के लिए हैं। इस्लाम ने जो जो सजाएं दी हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने जिना की सजा रख देता हूं, इस्लाम के अंदर जो गैर शादीशुदा जानी है उसके लिए 80 कोड़े जो सॉरी 100 कोड़े सजा जो है वो है एक गैर शादीशुदा जानी के लिए। लेकिन अगर कोई शख्स किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगा दे, किसी के ऊपर बहतान बांधे, तो उसको 80 कोड़े मारे जाएंगे। तो यानी कोई भी शख्स जो है किसी के ऊपर बहतान बांधने की जरूरत नहीं करेगा। आप इस्लाम की बात करते हैं, आप खान साहब से मैं कहूँगा आप इया का नअबुदु व इया का नस्तईन से अपनी तकरीर शुरू करते हैं, लेकिन हालत ये है कि मैं तो देख रहा हूँ कि आपके इन 3 सालों के अंदर मैंने तो जो है शायद या तो अभी हमने होश संभाला है, या शायद मैं ये नोट कर रहा हूँ कि हर तरह से फहाशी और बेहयाई के जो बड़े बड़े फितने हैं उन्होंने हमारी जो यूथ है, हमारी गैरतमंद और गयूर नौजवान हैं उनको भी अपनी बेड़ियों में जकड़ दिया है। और ये बेहयाई और फहाशी हमारी हर फील्ड के अंदर हमें नज़र आती है। यूनिवर्सिटीज़ हो गए तो तब कॉलेज से स्कूल्स तक हमारी जो ये बेहयाई है ये पहुँच चुकी है। मैं अपने यूथ से, अपने गयूर दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, अल्लाह के लिए इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। अगर आपने आवाज़ ना उठाई तो ये हमारे ईमान के खाली होने की निशानी है, क्योंकि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब आप बुराई को देखो तो उसे अगर रोकने की ताकत है तो हाथ से रोको, अगर हाथ से भी ना रोक सको तो कम से कम उसे अपनी ज़ुबान से तो रोको। आप अपने जो है अपनी ज़ुबान से इस चीज़ को बुरा कहिए। और मैं लास्ट में ये रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि अपने अपने घरों के अंदर, अपने अपनी बहन बेटियों के पास जो है इस तरह के ड्रामे सीरियल बैन करवाइए, इस पर अपने घर में पाबंदी होनी चाहिए। टीवी चैनल्स के ऊपर जो जो ये चैनल्स आपके घर में चलते हैं ड्रामा सीरियल्स के, अल्लाह के लिए इनके ऊपर पाबंदी लगाइए ताकि हमारा ईमान तो महफूज रहे। इस तरह से फिर बच्चियां भाग जाती हैं घरों से और ये सारा कुछ जो है होता है एक प्री प्लान तरीके के साथ, आपसे, आपकी बच्चियों से, आपके बच्चों से, उनके जो गैरत है, उनकी हमीयत है, उनका ईमान है, उनका इस्लाम है, उनका दीन है, उनकी हया और उनकी शर्म और गैरत है, वो सारे का सारा जो है आपसे छीना जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।